नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में भाजपा महिला मोर्चा ने निकाली भव्य श्रीराम शोभा यात्रा। महिला मोर्चा ने बांटे घर घर अक्षत और निमंत्रण। भाजपा दीनदयाल मंडल की महिला मोर्चा की सदस्यों ने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व भव्य श्रीराम शोभा यात्रा निकाली। दीनदयाल मंडल की महिला मोर्चा अध्यक्ष सारिका गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई श्रीराम कलश शोभा यात्रा के दौरान घर घर अक्षत और निमंत्रण पत्रिका का वितरण किया गया। शोभा यात्रा सेनपुरा मैदान शीतला माता मंदिर से शुरू हुई और सत्ती माई मंदिर चेतगंज चौराहा से चौछठवां कबीर रोड लहुराबीर बाबा चौराहा चेतगंज थाने से होते हुए सेनपुरा मैदान पर समाप्त हुई। यात्रा जिन जिन मार्गों पर पहुंची वहां मार्ग राममय हो गया। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का निमंत्रण देती यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। श्री राम शोभा यात्रा के संयोजक और महिला मोर्चा के अध्यक्ष सारिका गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक राम भक्त सनातनियों एवं जन जन की भागीदारी का संकल्प लेकर घर घर अक्षत और घर घर निमंत्रण अभियान के तहत पत्रिका का वितरण किया गया। यह संदेश भी दिया गया है कि उस दिन हर व्यक्ति अपने घरों को दीप मालाओं से प्रज्वलित करें एवं अपने आसपास के मठ मंदिरों को दीपों से सुशोभित करें और भजन कीर्तन का गुणगान करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित दीनदयाल मंडल की महिला मोर्चा के सदस्यों के साथ सर्व महेंद्र गिरी जो महाराज, पार्षद श्रवण गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, संतोष चौरसिया, संजय अजय, हनुमान प्रसाद यादव, सुरेश राजकुमार पटेल, शंकरलाल जायसवाल, अवधेश, दिनेश, सौरभ पासवान व बड़ी संख्या में माताएं बहने उपस्थित रहीं। न्यूज नाइन भारत के लिए तौफीक खान की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।